नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गार्गी। बिहार में अभी अभी सत्ता बदली है, अभी फ्लोर टेस्ट भी बाकी है, लेकिन इन्हीं दो दिनों में बिहार की नई नीतीश और तेजस्वी की सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। विपक्ष के निशाने पर आने की वजह भी कई हैं। जब से जेडीयू और आरजेडी की सरकार बनी है, तब से बिहार में हत्या और लूट की बाढ़ सी आ गई है। अचानक से आपराधिक वारदातों में इजाफा हो गया है। लोगों के साथ साथ विरोधियों को बोलने का मौका मिल गया है और उन्होंने कह दिया कि बिहार में एक बार फिर जंगल राज आया है। बीजेपी नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार की नई नीतीश और तेजस्वी की सरकार पर हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि दो दिनों से मीडिया में चल रहा है कि जिस दिन से बिहार में सरकार बनी उसके बाद कई घटनाएं सामने आई। गठबंधन बनने के पश्चात जेडीयू और आरजेडी के बीच जिस प्रकार की गतिविधियां बिहार में हुई है उससे आपको अवगत कराता हूँ। जहां तक बिहार का संदर्भ है, मैं कुछ लिख के लाया हूं जो दो दिनों से मीडिया में चल रहा है कि गठबंधन बनने के पश्चात जेडीयू और आरजेडी के बीच जिस प्रकार की गतिविधियां बिहार में हुई है उससे आपको मैं अवगत कराता हूं। आप देख सकते हैं कि 10 अगस्त को, क्योंकि आप सब जर्नलिस्ट मौजूद हैं, आपके ही साथी और हमारे जानकार जर्नलिस्ट गोकुल यादव जो प्रभात खबर के थे, किस प्रकार से उन्हें जमुई में गोली मार करके उनकी हत्या कर दी। जिस दिन नीतीश और तेजस्वी ने शपथ ली, यानी 10 अगस्त को, बिहार में एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके दूसरे दिन 11 अगस्त को एक और पत्रकार की हत्या कर दी गई। वहीं दूसरी तरफ बेतिया के एक पुजारी की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई। 11 अगस्त को ही पटना के एक कार शोरूम में बहुत बड़ी लूट हुई और इसी दिन छपरी में जहरीली शराब के सेवन से 6 लोग काल के गाल में समा गए। छपरा में इससे पहले 13 लोगों की जहरीली शराब के कारण मृत्यु हुई थी और नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र नालंदा में 10 लोगों की मौत हुई थी। संबित पात्रा ने कहा है कि बिहार में जिस प्रकार से तेजी से जो अव्यवस्था फैल रही है उसका एक संस्मरण आपके सामने रखूंगा कि जिला पश्चिम चंपारण में 12 वर्षीय किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म होता हो, मुजफ्फर में एक व्यवसायी के घर में दिन दहाड़े लूट होती है, आभूषण दुकानों में चोरी होती है। पूरे बिहार में चोरी, स्नैचिंग, हत्या, दुष्कर्म, लूट का तांडव मचा हुआ है। बिहार में जंगल राज दोबारा आ गया है। 11 अगस्त को ठीक उसी प्रकार एक और पत्रकार की गोपालगंज में हत्या कर दी गई और 11 ही अगस्त को बेतिया के रुदल प्रसाद बरनवाल जी, जो कि पुजारी थे राम जानकी मंदिर के, किस प्रकार से गला काट करके, गला रेत करके उन्हें मार दिया गया और उनका जो कटा हुआ गला था वो कहीं और मिला। 11 अगस्त को किस प्रकार पटना टोयोटा कार शोरूम में एक बहुत बड़ी लूट की खबर हुई, यह भी आप जानते हैं। और 11 ही अगस्त को किस प्रकार छपरा में जहरीली शराब के सेवन के कारण 6 लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। छपरा में इससे पहले 13 लोगों की मृत्यु हुई थी, या यूं कह लीजिए जहरीली शराब के कारण 13 लोगों की हत्या हुई थी। और आदरणीय नीतीश कुमार जी के खुद गृह क्षेत्र नालंदा में 10 लोगों की मौत हुई थी। जिलावार आप देख सकते हैं, मैं बहुत जल्दी में जिस प्रकार से बहुत मैं कहूंगा अव्यवस्था फैल रही है बिहार में, उसका एक संस्मरण आपके सामने रखूंगा। जिला पश्चिम चंपारण में 12 वर्षीय किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म होता है। मुजफ्फरपुर में व्यवसायी नलीन रंजन के घर दिन दहाड़े घुस लुटेरे 40 लाख रुपए की संपत्ति लूट लेते हैं। नरकटियागंज में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म होता है। जमुई में प्रभात खबर के गोकुल यादव जी के विषय में मैंने आपको बताया। नदवा में किस प्रकार पटना के बाकरगंज निवासी निशांत कुमार वर्मा का नदवा स्थित आभूषण दुकान पर शटर उखाड़ करके 6 लाख की चोरी की जाती है, यह भी टीवी और पत्रकारिता के माध्यम से हमें खबर मिला है। बाढ़ जिला में बाढ़ थाना क्षेत्र के LIC मोड़ के पास मुहर्रम जुलूस के दौरान जिस प्रकार दो समुदायों में लड़ाई होती है, यह भी हमने देखा कि वहां पुलिस नदारद थी। ठीक उसी प्रकार पटना सिटी में घर के गेट पर खड़ी शिक्षिका के गले पे बाइक सवार 3 झपट्टा मार करके सोने।
संबित पात्रा ने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव ने 2020 में कहा था कि हम आएंगे तो 10 लाख नौकरी देंगे। जब उनसे पूछा गया कि अब आप आ गए हैं तो 10 लाख नौकरी का क्या होगा, तो तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आते हैं कि देखिए अभी तो हम मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, मैंने कहा था कि जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे तब नौकरी देंगे। उन्होंने बड़े दुख के साथ कहा है कि ये मैं की कहानी है, मतलब मैं बनूंगा तब होगा, हमसे कुछ नहीं होगा। इसी परिवारवाद के खिलाफ भाजपा सतत लड़ती रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। दिल्ली से संजय पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनभावना टाइम्स।